जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है और ये है अपना फर्स्ट यूनिट और ये पेपर अपना सेकेंड है जिसका नाम है सैन्य मनोविज्ञान। सब्जेक्ट तो आप सभी जानते ही हैं कि रक्षा स्ट्रैटेजी या सैन्य अध्ययन इसका नाम है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सैन्य प्रशिक्षण में मनोविज्ञान की क्या भूमिका होती है, अर्थात सेना में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें जो मनोविज्ञान होता है, सैनिक का मनोविज्ञान या सैन्य मनोविज्ञान, उसकी क्या भूमिका होती है सेना में, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सेना का अधिकांश कार्य होता है सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और वास्तविक युद्ध से भावी युद्ध की तैयारी करना। वास्तविक युद्ध का तात्पर्य है कि जो भी छोटे छोटे युद्ध लड़े जाते हैं उनसे भविष्य में होने वाले भावी युद्ध की तैयारी के लिए तत्पर रहना और इस युद्ध से सैनिकों में उनकी शारीरिक योग्यता का पता चलता है कि हम अपने आप में कितने सक्षम हैं, हमारे सैनिक कितने सक्षम हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और वो कितना उनमें आगे बढ़ने की शक्ति विद्यमान है। और इन युद्धों से जो निष्कर्ष निकल के आता है सामने, उससे कुछ जो अच्छे सैनिक हैं जिनकी अध्ययन में रुचि है वो उनको इस युद्ध से अध्ययन करने में भी सहायता मिलती है, अर्थात उस जो युद्ध पीछे लड़ा गया है उनमें कितना अच्छा था परिणाम और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ और किस हिसाब से वो लड़ा जाता, किस प्रकार से लड़ा जाता, तो उसमें और अच्छी महारत हासिल की जा सकती थी, अच्छी और जल्दी से उसमें सफलता अर्जित की जा सकती है थी। और युद्ध के द्वारा या सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा सैनिकों के जीवन में समायोजन, बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके द्वारा सैनिकों के जीवन में असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी असहज स्थिति से बचने के लिए सैन्य मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो सेना में जो सैनिक हैं उनके जीवन में, अपने जीवन में वो सैनिक इस मनोविज्ञान के द्वारा समायोजन भी कर सकते हैं। और जो नेतृत्व होता है उनमें नेतृत्व की भावना का विकास होता है, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है, तो ये सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा उनमें नेतृत्व के का एक कुशल गुण उत्पन्न होता है। इस मनोविज्ञान के द्वारा युद्ध जो लड़े जाते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध जो लड़े जाते हैं उनमें उनसे युद्ध का अभ्यास, उनमें युद्ध की आदत, उनसे प्रेरणा, अभिरुचि और भी अत्यधिक चीज़ों का विकास होता है सैन्य प्रशिक्षण में मनोविज्ञान के द्वारा। समस्या, किसी भी समस्या के समाधान, सैनिक समस्या का समाधान करने के लिए ये मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैन्य नियम जो भी हैं, जो उसमें सैनिकों के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, परसीमाएं हैं, उनका बोध भी सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। किसी भी बंदी के साथ क्या व्यवहार करना है, किसी भी आतंकवादी के साथ क्या व्यवहार करना है, इत्यादि ये सब सारी चीज़ों का मनोविज्ञान के द्वारा ही अध्ययन करके उसको उसके अनुरूप, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार उसको दंड देना है या उससे मित्रवत व्यवहार करना है या उसको किस प्रकार से उससे सारी जानकारी हासिल करनी है, तो सैन्य प्रशिक्षण में मनोविज्ञान की भूमिका के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। अगली चीज आती है कि विभिन्न परिस्थितियों में तकनीकी की खोज में मदद करना। जैसा कि युद्ध में ये जरूरी है कि कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर और आगे बढ़ने के लिए किन परिस्थितियों का, किन तकनीकी उपकरणों का और यंत्रों का प्रयोग किया जाए कि उसमें हमें जल्द से जल्द सफलता अर्जित हो जाए, जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से सैन्य प्रशिक्षण में मनोविज्ञान की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना का अधिकांश कार्य जो होता है वो प्रशिक्षण प्रदान करने में व्यतीत होता है और जो भावी युद्ध होते हैं उनके लिए वास्तविक युद्धों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। लड़ाई से पूर्व एक लंबी अवधि तक सैनिकों को जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वो बहुत ही आवश्यक होता है।
उस सैनिकों को शारीरिक योग्यता और उनको शारीरिक योग्यता में वृद्धि करने के लिए, उनके अध्ययन में रुचि पैदा करने के लिए, उनके सैनिक जीवन में समायोजन के लिए, उनके नेतृत्व के प्रशिक्षण का विकास करने में सैन्य मनोविज्ञान की भूमिका महती जरूरी है। जो भी हमारे या नेतृत्व करने वाला कमांडर है, जिसको साधारण भाषा में हम लोग साधारण नेतृत्व करने वाला या नेता के नाम से जानते हैं, अगर देखा जाए तो उसको नेता का नाम दिया जाता है, तो उस नेता को ये मालूम होना चाहिए कि सीखने में अभ्यास, आदत, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिरुचि का क्या महत्व है। उस नेता के लिए ये आवश्यक है कि वो इन सब चीज़ों को जाने और अपने सैनिकों में उन सब चीज़ों की मनोवृत्ति का विकास करे। सैनिकों को इन तत्वों और सीखने के सिद्धांतों को भलीभांति ज्ञात होना चाहिए कि उनमें आदत कैसी पड़नी चाहिए और कैसा अभ्यास करना चाहिए, कैसी प्रेरणा किस प्रकार से मिलती है और किस प्रकार से मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और सैन्य परिस्थितियों के अंतर्गत उन तकनीकी विधियों को खोज की जाती है जो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। जो भी सैन्य गतिविधि है उसके लिए सैन्य परिस्थितियाँ जो भी हैं उन परिस्थितियों से निपटने के लिए तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके उसमें मनोविज्ञान के द्वारा या मनोविज्ञान के विकास के द्वारा उनमें प्रशिक्षण की एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके द्वारा ये सैन्य मनोविज्ञान यानी या मनोविज्ञान की मानसिक वृत्ति जो होती है, उन मानसिक वृत्ति के द्वारा जल्द से जल्द और कम से कम समय में, अतिशीघ्र अतिशीघ्र कम समय में छोटी तकनीकी का प्रयोग कर करके या जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप तकनीकी का प्रयोग कर करके हमें उस युद्ध को वहीं पर रोक देना है, जिससे अधिक मात्रा में जनहानि धनहानि न हो पाए। इसके लिए जरूरी है सैन्य मनोविज्ञान का होना, यानी कि मनोविज्ञान के अभाव में ये गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकती हैं, या यूँ कहें कि सैन्य मनोविज्ञान के अभाव में हम युद्ध को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त नहीं कर सकते हैं, या भी हो सकता है कि हमें उल्टे पराजय का मुंह देखना पड़े, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय ना लिया जाना भी एक मनोविज्ञान का अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। तो यदि मनोवृत्ति मनोविज्ञान सही है, उचित है, अपनी जगह पे अच्छा है, तो वो विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ना होने के बावजूद भी हमें अपने परिणाम प्राप्त करने में सफलता प्रदान करता है, या युद्ध को जीतने में या सफलता अर्जित करने में हमें ये मनोविज्ञान सफलता दिलाता है। सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रेरणा देता है, हमें वहाँ पर पहुँचाता है, उस मार्ग को दिखलाता है जिससे हम सफलता को प्राप्त कर सकें, अर्जित कर सकें। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि सैन्य प्रशिक्षण में मनोविज्ञान की क्या भूमिका होती है, या मनोविज्ञान के अभाव में सैन्य प्रशिक्षण किस प्रकार से अनुपयोगी हो सकता है। सैन्य मनोविज्ञान के अभाव में सैन्य प्रशिक्षण अधूरा कहा जा सकता है, इसलिए सैन्य प्रशिक्षण में मनोविज्ञान की भूमिका बहुत ही आवश्यक है। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जो जानकारी प्राप्त की, ये सैनिकों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।